हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में। राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका अन्वेषण विधि या खोज विधि, जिसे इन्वेस्टिगेशन मेथड भी या अप्रोच कहते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि अन्वेषण विधि जो है, इसके जो खोजकर्ता है या इसके जो प्रतिपादक है वो है आपके प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने ये थ्योरी दी है। इस थ्योरी में जो उन्होंने बताया है वो इस तरीके से बताया कि बच्चा किस तरीके से अपने समस्याओं का समाधान को खोजता है, निवारण करता है, उसका हल करता है, और अपने एक लर्निंग प्रोसेस के तहत में वह अपनी नई चीजों को खोजता है, अपनी समस्याओं के हल को खोजता है और उसका समाधान करता है। मतलब इसमें शिक्षक की भूमिका कम और विद्यार्थी की जो भूमिका होती है वो अहम होती है। शिक्षक सिर्फ एक मार्गदर्शन होता है, शिक्षक सिर्फ एक उसको एक वर्क देता है, एक होमवर्क देता है, एक कार्य देता है। विद्यार्थी स्वयं उस कार्य को करता है, उसमें कौन सी तकनीक लगेगी, कौन सा अप्रोच लगेगा, उसका समस्या का समाधान कैसे होगा, वो अधिगम के दौरान खुद ही करके सीखता है। तो जैसे कि हम जानते हैं अन्वेषण विधि या खोज विधि, खोज विधि से हमें पता चल रहा है कि यह एक अनुसंधान है, मतलब एक रिसर्च है। तो रिसर्च जहाँ आता है वहां पे हम जानते हैं कि यह एक टेक्निकल है, वैज्ञानिक है, साइंटिफिक मेथड है। तो इसको क्या कहा जाता है, यह एक वैज्ञानिक मेथड भी या विधि भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, बच्चे की जो माइंड है, जो उसका दिमाग है, जो उसकी बुद्धि है, उसका वैज्ञानिक तौर पर, तकनीकी तौर पर विकास होता है और बच्चे का जो अधिगम है वो वैज्ञानिक तौर पर या वैज्ञानिक विकास करता है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट नंबर है, जैसे कि आप जानते हैं कि खोज विधि जो है वो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने दिया है। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह विधि किसने दी है। उसके बाद जैसे आप देखेंगे यह इसमें जो बच्चा है वो अधिगम के दौरान छात्र स्वयं ही कार्य करता है। मतलब बच्चे को एक टॉपिक दिया गया, एक पॉइंट दिया गया या एक विषय दिया गया, उसने बच्चे को बोला कि ये चीज आपको करके आना है, तो उसमें वो बच्चा पढ़ने के दौरान खुद ही उसका पूरा खोज करता है, उस समस्या, उस लेसन में जो समस्या आ रही है, जो उसमें तकनीक आ रहा है, उसका हल निकालता है। तो इसमें बच्चा जो है अपने टीचर्स की या अपने मेंटर्स की या अपने से बड़ों की हेल्प नहीं लेता, उसमें बच्चा स्वयं ही सब कुछ करता है। तो इसलिए कहा गया है कि छात्र जो है वो अधिगम के दौरान स्वयं ही खोज करता है या कार्य करता है। इसका जो उद्देश्य होता है, अन्वेषण विधि का जो उद्देश्य होता है वह होता है विद्यार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। मतलब इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है? इसका यह एम है कि बच्चा जो है वो टेक्निकली और मतलब साइंटिफिकली वो चीजों को सोचे और उसका जो बुद्धि का विकास हो वो साइंटिफिकली तौर पे हो। तो बच्चे का जो अन्वेषण विधि का जो मेन उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वो होता है कि विद्यार्थी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसके बाद जैसे आप देखेंगे इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि छात्र स्वयं ही खोज करता है। मतलब छात्र को कोई टॉपिक दिया गया और छात्र को बोला गया कि बताओ इसमें जो प्रॉब्लम है उसका समाधान कैसे होगा, या इसमें जो राइटर्स ने या पोएट्स ने या हमारे मनोवैज्ञानिक ने जो कहा है तो इसका हल कैसे निकलेगा, तो बच्चा उस पूरी थ्योरी को पढ़ता है, समझता है और उसका खुद ही हल खोजता है, खुद ही उसका निवारण करता है। तो इसमें जो विद्यार्थी होता है या छात्र होता है वह स्वयं ही खोज करता होता है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ टॉपिक है, अन्वेषण विधि को ही ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। कई बार आपको क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि ह्यूरिस्टिक विधि किसे कहा जाता है, तो इसे अन्वेषण विधि या इन्वेस्टिगेशन मेथड को ही कहा जाता है, ह्यूरिस्टिक विधि। उसके बाद जैसे फ्रेंड्स इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, विशेषताएं कैरेक्टर्स कि ये क्या है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि इसकी जो मुख्य विशेषता है वह है कि यह एक वैज्ञानिक विधि है। यह कौन सी विधि है, यह एक वैज्ञानिक विधि है और इसमें जो है बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करके सीखता है। मतलब किताब से सिर्फ पढ़ के नहीं सीखता है, जो चीज वो पढ़ता है उसको वो प्रैक्टिकली करता है। तो इसमें जो बच्चा है कि कोई भी टॉपिक बच्चे को दिया गया और उस पर बच्चा खुद ही उस पर को पूरा प्रैक्टिकली एनालाइज करता है, पूरा प्रैक्टिकली उसको दोहराता है और उसको सीखता है। या कोई एक टॉपिक दिया गया क्लास में या प्रैक्टिकल आपके ग्रह उसमें ग्रह
गृह कक्षा में या फिर आपका होम साइंस लैब में कि ये टॉपिक आपको करना है, तो उसमें बच्चा क्या होता है, उसमें पूरा एक्टिव रहता है, पूरा बच्चा उसमें करके फिर उसको सीखता है। देखिए अगर हम किताब से सीखते हैं, बोल के मतलब पढ़ के सीखते हैं उसमें, और लर्निंग मतलब आप प्रैक्टिकली किसी चीज को कर रहे हैं उसमें बहुत फर्क होता है, वो आपका इफेक्टिवली आप बच्चे को सिखा सकते हैं। तो इसमें जो आप कहेंगे कि जो सेकंड पॉइंट है इसकी विशेषता, एक तो यह वैज्ञानिक विधि है, दूसरी जो इसकी विशेषता है कि बच्चा इसमें एक्टिव होता है, वह करके सीखता है। तो जैसे मैंने बोला एक्टिव होता है बच्चा, तो यह है कि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर भी आधारित है। जब तक किसी भी मेथड में या अन्वेषण मेथड में बच्चा एक्टिव नहीं होगा, बच्चा सक्रिय नहीं होगा, क्रिया नहीं करेगा, तब तक वो मेथड आपका, अन्वेषण मेथड आपका सफल ही नहीं हो पाएगा, पूरा ही नहीं हो पाएगा। इसमें बच्चे का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, इसलिए यह एक क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि है। उसके बाद जो है, जो बच्चे वंचित होते हैं इस अन्वेषण विधि से या जो इसको नहीं समझ पाते हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, वंचित विद्यार्थी जो होते हैं वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपने गुणवत्ता उच्च स्तर का समायोजन नहीं कर पाते, उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनका जो स्तर रहता है वो निम्न रहता है। तो इसीलिए वंचित बालकों के जीवन तथा उपलब्धियां तथा समायोजन का स्तर निम्न रहता है, मतलब वह उस ऊंचाई तक, उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं छू पाते हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, बोलने में और सुनने में एक रूपता का अभाव होता है, क्योंकि जो बच्चा बोलेगा, जो बच्चे को सुनना बोलना है और जो बच्चे को उसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, इन दोनों का इसमें अभाव रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चा इसमें खुद ही करता है, वो किसी के इंस्ट्रक्शन सुन के नहीं करता है, वो किसी को फॉलो नहीं करता है, बस बच्चे को टीचर्स या विद्यार्थी जो उनके मेंटर्स होते हैं वो उनको एक टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक में बोला कि आपको ये चीज करना है, फिर बच्चा उसका खुद ही एक एक प्रोसेस करता है, खुद पढ़ता है, खुद देखता है उसका कैसे हल निकलेगा, कैसे करेगा। जैसे कोई प्रैक्टिकल वर्क किया है उसको दे दिया, तो वो बच्चा स्वयं से ही उसमें एक्टिव रहता है, स्वयं ही अपने ज्ञान के नए नए तकनीकों को खोजता है और उसका सोल्यूशन करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि बोलने की और सुनने की जो एक रूपता होती है, उनकी जो यूनिटी होती है, उसका अभाव रहता है, उसकी आपको इसमें कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद जो फ्रेंड्स अगला हमारा पॉइंट है वो देख लेते हैं, यह एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसे आपको एग्जाम में एक नंबर का या दो नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है सीटेट में, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है। तो देख लेते हैं इसमें आगे क्या क्या है। तो जैसे कि आपको मैंने बोला कि जो हमारे इसका अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, तो जैसे कि हमारा पांचवा पॉइंट है, इसमें क्या होता है, जो आपके वंचित बालक हैं उनके जो माता पिता होते हैं या अभिभावक होते हैं, वंचित बालक के अभिभावक, उनका जो शिक्षा के प्रति है, अभिभावक का शिक्षा के प्रति जो उनकी अभिवृत्ति होती है या एटीट्यूड होता है वह पॉजिटिव नहीं होता है, धनात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक रहता है। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे वंचित वर्ग से हैं या फिर जिनके पेरेंट्स मतलब लोअर फैमिली से आते हैं, जो गरीब घर से हैं, तो उनके लिए क्या दिक्कत हो जाती है,
उनके लिए यह दिक्कत हो जाती है कि मतलब उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो शिक्षा को इतना अच्छा नहीं मानते, उसके लिए पॉजिटिव रवैया नहीं दिखाते, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, स्कूल भेजने में उतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। उनको लगता है कि बच्चों पे जो पढ़ाई पे जो खर्चा होगा वो व्यर्थ खर्चा है, फालतू का खर्चा है। स्कूल भेजने की जगह पर वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, कोई छोटे मोटे काम धंधे में लगा देते हैं जिससे बच्चा कुछ अर्न करे और घर की रोजी रोटी चले। तो यह इसकी एक सबसे बड़ी मुख्य विशेषता में से आ जाती है कि मतलब कमी है ये कि बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता पढ़े नहीं है, गरीब घर से हैं, उनकी जरूरतें जो बेसिक चीजें हैं वो पूरी नहीं हो पाती है, तो वो बच्चे को स्कूल में भेजने से सोचते हैं कि इस पे जो हमारे कॉपी किताब पे या फिर वर्दी पे या जो भी चीज हमारा एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो हम खाने पीने की चीजों पे और पालन पोषण पे खर्चा करेंगे और बच्चे को छोटे मोटे कार्य में लगा देते हैं। जैसे आप देखेंगे होटल्स में छोटे बच्चों को काम करते हुए या न्यूज़पेपर बेचते हुए देखेंगे या जूते साफ करते हुए देखेंगे या फिर आप दूध वाले दूध की दुकान पे देखेंगे, मतलब कोई भी शॉप पे ग्रोसरी की शॉप पे देखेंगे, तो मतलब छोटे मोटे काम धंधे में बच्चे को लगा देते हैं जिससे क्या होता है वंचित बालकों का जो भविष्य है वह और ऋणात्मक चला जाता है। और बढ़ती आयु के साथ इसका जो अगला पॉइंट है आपका वो बढ़ती आयु के साथ बच्चे के जो विकास है उसका जो स्तर होता है वो ऋणात्मक होता जाता है। बच्चा उस स्थिति में नहीं सोच पाता जो एक स्वस्थ बच्चा और जो एक पढ़ा लिखा बच्चा सोचता है। तो बढ़ती आयु के साथ विकास स्तर जो है वंचित वर्गों का ऋणात्मक हो जाता है। बढ़ती आयु के साथ विकास स्तर वंचित वर्गों का ऋणात्मक हो जाता है। पढ़ाई के प्रति उनका रवैया बदलता जाता है, फिर उनकी भी सोच ऐसी हो जाती है कि पढ़ लिख के क्या करना है, क्या होना है, पैसा कमाना है, नौकरी करनी है, मतलब कुछ भी मेहनत मजदूरी करना है लेकिन पढ़ लिख के क्या करना है। वो छोटी उम्र में अगर बच्चों को पढ़ाई लिखा के लिए आगे अप्रोच किया जाए, उनको बताया जाए तो पढ़ेंगे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उनका भी जो रवैया होता है, उनका जो व्यवहार होता है वो पढ़ाई के प्रति क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने अभी देखा कि अन्वेषण विधि एक छोटा टॉपिक है, इसमें जो हमें को रिकॉल कर लेते हैं, इसमें जो है पहला आप देखें कि इसके जो जन्मदाता है वो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है। उसके बाद उन्होंने जो इसमें दिया कि खोजकर्ता जो है इसमें इसमें सारा विद्यार्थी ही होता है, बालक ही होता है। इसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है वो कौन होती है और विद्यार्थी की भूमिका प्राथमिक होती है। विद्यार्थी को जो कार्य दिया जाता है उसमें विद्यार्थी स्वयं ही पढ़ाई के दौरान अधिगम के दौरान कार्य को स्वयं ही करता है, स्वयं ही खोजकर्ता होता है। जो भी उसको कार्य दिया जाता है उसको विद्यार्थी करके सीखता है। और उसके अलावा विद्यार्थी जो है या इसमें बच्चों का जो साइंटिफिकली तकनीक है या साइंटिफिकली जो सोच है उसका विकास किया जाता है ताकि कोई भी इसमें जो है सोच लगाया जाए वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका विकास हो पाए। और यह जो है एक वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक विधि है। उसके बाद इसी विधि को ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी इसका जो सिद्धांत है वो क्रियाशीलता के आधार पर आधारित है कि इसमें बच्चा एक्टिव रहेगा, निष्क्रिय होकर कुछ नहीं कर सकते, इसमें बच्चे का क्रियाशील होना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है कि इसमें बच्चे का जो है वंचित बालक जो होते हैं, जो गरीब घर से आते हैं, जिनको शिक्षा में अभाव होता है, उनका जो निम्न स्तर देखने को मिलता है कि वो लाइफ के प्रति, जीवन के प्रति और जीवन के अन्य लक्ष्यों के प्रति उनका जो स्तर है और समायोजन है वो बहुत निम्न स्तर होता जाता है। इसमें उनके माता पिता भी उनका सहयोग नहीं करते हैं, वो बच्चे को पढ़ाई की तरफ अप्रोच ना करके बच्चे को छोटे मोटे काम धंधे में लगा देते हैं, सोचते हैं पढ़ाई में जो व्यर्थ पैसा लगेगा वो पैसा और किसी काम में लगेगा, बच्चा कमा के लाएगा,
तो छोटी उम्र में ही बच्चे को स्कूल किसी भी वर्ग में छोटे मोटे काम में लगा देते हैं और उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें माता पिता का जो सोच है वो भी आपको ऋणात्मक देखने को मिलेगा। फिर बच्चे का भी जो बढ़ती आयु के साथ बच्चे का जो विकास होता है वो भी आप उसका भी सोच देखेंगे वह ऋणात्मक देखने को मिलेगा। तो आज का ये मेरा विषय यही खत्म हुआ, ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसे आप अन्वेषण विधि या फिर इन्वेस्टिगेशन अप्रोच भी कहते हैं। इस विधि से आपको सीटेट में आप एक या दो नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा लेवल वन और लेवल टू में। तो एक छोटा सा मेथड है ये, 10-15 मिनट में हो जाता है और अगर आपके 10-15 मिनट देने से अगर आपके दो नंबर से फोर हैं तो आप इसको जरूर दीजिए और अच्छे से कीजिए, क्योंकि एक एक दो दो नंबर से ही 30 नंबर बनेगा, 30 में से 30 आपके CDP में आएंगे। तो ये आप 30 को लेके मत चलिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये आपका जो CDP है वो 90 मार्क्स का है, तो आप उसको 90 लेके चलिए। पूरा गेम चेंजर सब्जेक्ट है ये, कि आप कभी भी गेम इधर का उधर कर सकते हैं अगर आप इसके अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो, और सब्जेक्ट में अगर आप वीक हैं तो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो CDP का जो भी टॉपिक होता है वो छोटा टॉपिक होता है, एक एक इसमें बहुत ऐसे हैं, क्योंकि अगर मैं इसको लेके पूरा चैप्टर बैठूंगी तो 2-3 घंटा लगेगा एक दिन में करवाने में। मैं छोटा छोटा लेके आती हूँ क्योंकि अभी बहुत टाइम, अभी आपके नोटिफिकेशन भी नहीं आए। तो अगर आप छोटे छोटे मेथड से भी करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक से भी करेंगे, बस आपका वो बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो क्वेश्चन आप ऐसे ही पुटअप कर लेंगे। तो इसको आप अच्छे से कीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जो पुराने हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जैसे जो कि नीडी बच्चे हैं जिनको जरूरत है उनको इसकी जरूरत लाभ मिल पाए और इसको अच्छे से कर पाए। कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम है, चाहे फिर वो CTET हो, DTET हो, UPTET हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम है, STET हो, उसमें ही आपको देखने को मिलेगा ही। ये कोई स्पेशली सब्जेक्ट मतलब SST हिंदी मैथ्स नहीं है, जो आपको ये CDP हर एक टीचिंग एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसको आप अच्छे से कीजिए और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो नए हैं वो उसको जरूर बेल आइकन को बटन दबाइए और उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जो पुराने हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।